हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोरधन की खीर। इसको हम फरियाल में भी उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ आधा लीटर दूध उबलने रखा है। दूध में उबाल आने के बाद इसमें आधी कटोरी मोरधन, जो मैंने पहले से ही धोकर और गला कर रखे थे, इसमें डाल देंगे। इसे 5 से 7 मिनट उबलने देंगे। मोरधन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, सीज जाए, जब हम इसमें लगभग 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। शक्कर की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर घुल जाने के बाद इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और फिर इन्हें अच्छी धीमी आंच पर चलाते हुए उबाल लेंगे। अच्छे से उबलने के बाद अब इसमें हम दूध मसाला डाल देंगे, या इलायची पाउडर हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोरधन की खीर।